वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम। यहाँ पर ईटीटी वर्सेस यहाँ पर रोमा वर्सेस इंटर मिलन का मैच हो रहा है। इसकी वीडियो तो डल चुकी है, दोबारा बनाने लगा था। तो रोमा और इंटर मिलन का जो मैच है भाई 12:15 बजे खेला जाएगा। एक्चुअली मैं जब डबल साइडेड बिग मैच होता है तो उसमें मैं लेस इन्वेस्टमेंट कहता हूँ, तो इसमें भी वही कहूँगा कि लेस इन्वेस्ट कीजिएगा भाई, क्योंकि ये दोनों तरफ से बराबर की टक्कर है। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो रोमा एंड इंटर मिलन में वी हैव टू फेवर इंटर मिलन रोमा से थोड़ी तेज़ टीम है, थोड़ी तेज़। हालांकि ये एक डबल साइडेड मैच है, फेवर की बात यहाँ करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 60% विनिंग चांसेस अगर इंटर मिलन के हैं तो कहीं ना कहीं 40 भाई रोमा के हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की अगर बात करें तो स्ट्राइकिंग सेक्शन में सबसे पहला प्लेयर है थुरम भाई। पिछले मैच, एक लास्ट मैच इनका 6 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। एक हैट्रिक आई थी आई थिंक 6 अक्टूबर को ही आई थी। 6 अक्टूबर को मार्केस थुरम ने 3 गोल किए थे एक ही मैच में। उसके बाद फिर इंटरनेशनल मैचेस हो गए तो थुरम आ गया, फिर वहाँ पर मुझे लगा कि अच्छा करेगा, लेकिन वहाँ पर इतना अच्छा प्रदर्शन तो नहीं हो पाया। लेकिन जो बंदा अभी प्रीवियस मैच में हैट्रिक करके गया हो तो उसके मन में ही अलग वाइब्स आ रही होंगी अच्छा करने की। उसके बाद अगर आगे बात करें तो मैं एल मार्टिनेस के साथ ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि अनदर प्लेयर्स के साथ नहीं जा रहा है। ना ऑपोजिशन टीम की बात करें तो डिबाला और डॉबिक में से एक प्लेयर, आई एम गोइंग विद एटम डॉबिक, क्योंकि डिबाला के साथ मैं नहीं जा रहा इधर। एंड बात करें मिडफील्डिंग के अंदर बी क्रिस्टांटे के बाद द नेक्स्ट प्लेयर जो है हमारा वो है एन पीसली, अगर आपने लेना है, ठीक है। अगर इस बंदे को, क्योंकि पीसली थोड़ा नया है, क्योंकि हमेशा से मैं इनकी टीम में एसएल शेवरी को ही लेता आया हूँ, लेकिन यार मेरे को इसका गेम प्ले में बहुत ना एक इम्प्रूवमेंट दिखी है यार बंदे की। पहले दूसरी टीम में था तो मेरा मन है कि यार मैं पीसली के साथ जाऊँ, मतलब अंदर से ही। और अगला जो मेरा प्लेयर है दैट वाज हैकन कैलानोग्लू, क्योंकि फ्रेटेसी को लेना चाहता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से इनकी डिफेंडिंग प्रदर्शन कर रही है मुझे लगता नहीं कि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, लग नहीं रहा यार कि फ्रेटेसी की ज़रूरत खास पड़ेगी, क्योंकि ये फॉर्म में है। अगर थुरम फॉर्म में ना होता ना तो मैं फ्रेटेसी को लेने के बारे में थोड़ा बहुत सोचता। डिफेंडिंग की बात करें देन एफ दिमार्को, ठीक है, दिमार्को के बाद डैरमैन के साथ जाएंगे, डैरमैन के बाद बेस्टोनी, ठीक है, बेस्टोनी के बाद वन अनदर प्लेयर FSRB। अगर SRB की जगह बेंजामिन पवार्ड भी खेलता है तो आप ले सकते हो, क्योंकि मेरी नज़र में शायद आज बेस्टोनी को ड्रॉप आउट पे रखेंगे ये लोग, क्योंकि असल में बेंजामिन बनता है। और अगर आप 4 प्लेयर नहीं लेना चाहते तो इवन को ले लो, और अगर 4 ले रहे हो फिर तो आपके लिए बढ़िया है, फिर तो आपकी टीम में SRB भी आ जाएगा, फिर तो कोई टेंशन नहीं। उसके बाद गोल कीपिंग की बात करें, स्विलर के साथ जा रहा हूँ, जो कि माइल्स स्विलर एक रोमा का एक नॉर्मल सा एक गोल कीपर है, हालांकि एक नया है, पहले इसकी टीम में एमरियान रेगुलर खेलता था, पता नहीं उसको भेज नहीं रहे तो अब उसकी जगह पर स्विलर आया है। तो स्विलर पे अंधा ट्रस्ट तो मत करो, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है भाई, थोड़ा बहुत ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो बात करें कैप्टन की, कप्तान मेरे भाई मेरा है इस मैच में एल मार्टिनेस, वाइस कैप्टन मेरा है दिमार्को। दिस इज़ माई टीम, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।